फिल्म एक्चुअली एक रोमांटिक कॉमेडी है। कलाकार नौटंकी का एक कलाकार होता है जिसको जैसे बोलते हैं ना कि एक के साहब जैसे हमारे इसमें कलाकार है, के साहब के दिल में ये आ जाए कि मुझे अब एक फौजी बनना है, मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि फौजी एक मिलिट्री की एक सीमा होती है भाई, 5 फुट इतनी इंच हाइट होनी चाहिए, इतना सीना होना चाहिए। अब उसके बाद भी अगर के जी रोज़ लगे हुए हैं, 12 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फौज में भर्ती नहीं हो सकते है ना। इसी तरह बताशा जी जो हमारे हैं, अब उनको एक बॉलीवुड हीरोइन से प्यार हो गया है, अब उसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, कॉमेडी हो रही है। तो मनोज सागर जी की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें वो मुख्य किरदार में नजर आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत सारी फिल्में मुख्य किरदार में आ चुके हैं। अच्छा, तो बहुत सारी फिल्में की इसमें आए, हीरो भी आए हैं वो, जिसके पहले बताशा फिल्म आ चुकी है, इसमें हीरो रहे हैं। और ऐसे नहीं, जिस फिल्म में रहते हैं वो मुख्य किरदार में ही रहते हैं, उनका एक अपना खुद का रोल होता है। ये उनकी पता नहीं कौन सी फिल्म है, मुझे नहीं मालूम किस नंबर की। तो ये हमारे लिए एक्चुअली हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए हमारे साथ काम कर रहे हो, और हम जिस तरह उनसे काम करवाना चाह रहे हैं इस तरह वो काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी पहली पिक्चर है। अच्छा, जो हीरोइन जिसके आसपास बताशा चाचा भटक रहे हैं, वो हीरोइन आम्रपाली है, ज़रा आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? आम्रपाली हीरोइन में तो आम्रपाली ही है, आम्रपाली ही है। अच्छा, फिल्म में भी वो आम्रपाली है? आम्रपाली ही है, आम्रपाली के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ऐसा कुछ उनका करेक्टर कुछ चेंज नहीं है, जो हम लोग वही स्टारडम यूज कर रहे हैं आम्रपाली का, जो आम्रपाली का रियल स्टारडम है। आम्रपाली कोई करेक्टर मतलब कोई अलग से करेक्टर नहीं है, आम्रपाली ही है। कितने प्रतिशत शूट हो चुका है साहब फिल्म? तो फिल्म हमारी 30% 30% शूट हो चुकी है। गाने वाने कुछ निकाले गए हैं या फिर सब सीन सीन एक गाने है? एक गाना शूट हो चुका है, बाकी सारे किस पे फिल्म आया गया हो? गाना कौन कौन थे उसमें आर्टिस्ट? उसमें आम्रपाली जी और अविनाश दुबे गाने में थे। नचनिया वाला नचनिया के जो अभी नचनिया फेम स्टार है अविनाश, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कमाल के कलाकार हैं, हीरो भी है और एक्टर। आज यहाँ पे क्या सीन हम शूट कर रहे थे, बताशा चाचा आज बड़े इमोशनल नजर आ रहे थे, थोड़ा रो रहे थे। सीन के बारे में बताएंगे, फिल्म क्या देखोगे आप लोग? यार सीन तो ठीक है, अभी इमोशनल ड्रामा ही चल रहा है उनके प्यार का। आपको बोला उनके प्यार में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, रो रहे हैं, उनको हीरोइन नहीं मिल रही है, तो यही सब है। मतलब बताशा चाचा का प्यार इस बार कैमरे पर नजर आएगा जरूर, अच्छे से नजर आएगा। कब तक ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट या फिर अक्टूबर लास्ट तक हम लोग इस प्यार को दिखाएंगे। दीपावली के फर्स्ट जो पहले जो शुक्रवार आएगा, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट शुक्रवार पर लॉन्च कर दिया, छठ के पहले इसको लॉन्च कर दिया। बाकी की शूटिंग कहाँ होगी? बाकी की शूटिंग आप देवरिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया में, गोरखपुर में और कुशीनगर, 3 जिलों में हो रही है। जो बाकी 70% बची हुई है बची हुई है। ओके, थैंक यू, वेलकम।